लक्स का विज्ञापन करने वाली पहली अभिनेत्री थी लीला चिटनेस। बच्चों के लिए छोड़ दिया सुनहरा करियर। हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कंगन की हीरोइन रही लीला चिटनेस। फिल्मों में नारीवाद की पहली अलमबरदार भी मानी जाती हैं। मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने भी मानना था कि बिना कुछ कहे सिर्फ आँखों से अपनी बात समझा देने का हुनर उन्होंने लीला से ही सीखा। वे पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1941 में लक्स साबुन के लिए विज्ञापन फिल्म में काम किया। उन्होंने उस दौर में फिल्मों में काम करने का फैसला लिया जब महिलाओं के लिए ये किसी पाप से कम नहीं माना जाता था। 9 सितंबर 1912 को महाराष्ट्र के धारवाड़ में जन्मी लीला चिटनेस की पुण्यतिथि पर आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। लीला चिटनेस की कम उम्र में ही शादी हो गई और वे बहुत जल्द 4 बच्चों की माँ भी बन गई। पति गजानन यशवंत चिटनेस और उनके बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था जिस वजह से उनकी शादी ने लंबा सफर तय नहीं किया और दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद लीला ने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए स्कूल में बतौर अध्यापिका का काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान वह कई नाटकों में भी काम करने लगी। महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी वक्त बदलने वाला था क्योंकि लीला को अपने मेहनत के दम पर सागर मूवी टोन फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर उसी कंपनी की दूसरी फिल्म जेंटलमैन डाकू में ऐसा किरदार निभाने को मिला जिसमें वे पुरुषों की पोशाक में दिखी। इसके बाद उन्हें मास्टर विनायक की फिल्म छाया 1936 में दमदार किरदार निभाने का मौका मिला। उन्हें महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी का तमगा भी मिला। बॉम्बे टॉकीज ने पहचाना लीला का हुनर। इस समय लीला अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर थी कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाती वो सोना हो जाता। ऐसे समय में लीला को बॉम्बे टॉकीज से जुड़ने का मौका मिला। लीला की अदाकारी और कलाकारी से काफी प्रभावित होकर बॉम्बे टॉकीज ने लीला को उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार के साथ फिल्म कंगन के माध्यम से पर्दे पर उतारा। फिल्म में लीला लीड रोल में थी। कंगन हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। दर्शकों में अशोक और लीला की जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद लीला ने कई बेहतरीन फिल्में अशोक कुमार के साथ की। सिनेमा की पहली सुपरहिट माँ फिल्म शहीद में लीला ने पहली बार माँ का किरदार निभाया। इस फिल्म में लीला ने सुपरस्टार दिलीप कुमार की माँ का रोल निभाया था। बॉलीवुड में माँ के किरदार से लीला ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। हालांकि उस दौर में और भी ऐसी अभिनेत्रियां थीं जो माँ का किरदार निभाती थीं, पर दर्शकों को अपने अभिनय से बांध रखा था लीला ने क्योंकि लीला प्यार और दुलार से भरपूर माँ थीं। राज कपूर की फिल्म आवारा और दिलीप कुमार की फिल्म शहीद में भी लीला ने ही माँ का किरदार निभाया। 1987 में आई फिल्म दिल तुझको दिया में काम करने के बाद लीला ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद लाइट और कैमरों से दूर लीला अपने बड़े बेटे के साथ अमेरिका में रहीं। कैमरा और लाइट से दूरी बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने के लिए लीला भले ही अमेरिका चली गईं।